का बड़ी खबर, बदलापुर केस में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। बयान दर्ज करने पीड़िता के घर पहुंची एसआईटी की टीम। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये बताते चले, जिस तरीके से एक बड़ी घटना बदलापुर में घटी है, ठाणे में लोगों में आक्रोश भी है, जहां पर स्कूल के भीतर दो नाबालिग बच्चों के साथ दरिंदगी का पूरा मामला सामने आया। और उसके बाद आपको याद होगा कि डिप्टी सीएम फडणवीस की तरफ से एसआईटी के गठन का ऐलान किया गया था, और उसके बाद इस पूरे मामले में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन तेज करती हुई। और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि दरअसल यहाँ पर एसआईटी पीड़िता के घर पहुंची है, वहाँ पर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि दो छोटी मासूम बच्ची, आप सोचिए, 3-3.5 साल की जिसकी उम्र हो, मानसिक तौर पर उस पर क्या बीत रही होगी, तमाम वस्तु स्थिति को लेकर के जाहिर है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कदम उठाया जाए बच्चों का को लेकर के भी, क्योंकि जाहिर है कि गुस्सा आक्रोश भी है। और अब बयान दर्ज करने के लिए पीड़िता के घर पहुंची है एसआईटी की टीम।